अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सहूलत कंप्यूटर एकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेसर के बारे में। आज की वीडियो आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा करेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के स्पेसिफिक पहलुओं के बारे में। प्रोसेसर काम कैसे कैसे करता है, प्रोसेसर में फ़र्क क्या होता है और प्रोसेसर की जनरेशन कौन कौन सी हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास एक प्रोसेसर है। ये मैंने कोशिश की है कि इसको आपको डिटेल से बताऊं। प्रोसेसर की डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेसर इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये प्रोसेसर जो होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जी हाँ, आपको यकीनन हैरानगी होगी, वो कैसे? दिमाग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, बल्कि दिमाग का काम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करना होता है। व्यूअर्स, आपको यकीनन जहन में ख्याल आ रहा होगा कि प्रोसेसर कैसे कैसे काम करता है। ये प्रोसेसर एक दिमाग है कंप्यूटर का। आप इसको देखें, मैंने इसके ऊपर वन लिख दिया। जब हम एक सिंगल प्रोसेसर की बात करते हैं तो मतलब यह है कि एक कंप्यूटर एक टाइम में एक वक्त काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसा डिजाइन करूं कि मैं इसी प्रोसेसर के अंदर एक दूसरा प्रोसेसर भी फिट कर दूं, अच्छा, क्या दूसरा प्रोसेसर लगाने से इस प्रोसेसर की जो जिसामत है वो कम या बड़ी तो नहीं हो जाएगी? ऐसा हरगिज नहीं है। व्यूअर्स, आजकल दुनिया में प्रोसेसर इस तरह डिजाइन किए जा रहे हैं कि एक ही प्रोसेसर में दो चिप लगाई जा रही हैं। ये देखिए, मैंने बीच में लाइन खींची, एक प्रोसेसर यहाँ पे और एक ऐसा प्रोसेसर दूसरे साइड पे लगा दिया जाता है। अब गौर से देखें, चिप तो हुई है लेकिन इसके अंदर दो प्रोसेसर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस कंप्यूटर के अंदर ये प्रोसेसर लगा होगा वो कंप्यूटर दो प्रोसेसर के बराबर काम करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये ड्यूल कोर प्रोसेसर है। पहले सिंगल कोर की बात कर रहे थे हम, अब इसके अंदर मैंने दो प्रोसेसर लगा दिए तो ये होगा ड्यूल कोर प्रोसेसर। मैंने कोशिश की है कि मैं एक पेंसिल के ऊपर ड्रा कर दूं आपको। ये देखिए, मैं अभी इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है, शायद तस्वीर में आपको क्लियर नजर ना रहा हो। इस प्रोसेसर को मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर इंतहाई टेक्निकल तरीके से चार प्रोसेसर फिट किए जाते हैं। तो जब वो कंप्यूटर काम करता है तो वो चार प्रोसेसर के बारे में चार प्रोसेसर की तरह काम कर रहा होता है। व्यूअर्स, जो लोग बिगिनर हैं कंप्यूटर के फील्ड में, उनको समझाने के लिए मैंने कागज का सहारा लिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको ड्यूल कोर प्रोसेसर। ड्यूल कोर नाम से जाहिर है कि एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर डिजाइन किए गए हैं। इसी जिसामत का एक प्रोसेसर होता है। यदि मैं इसके ऊपर ड्रा कर देता हूँ, सेम इसी तरह होगा। और इसमें क्या होगा कि एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर हम एम्बेड कर देंगे, डिजाइन कर देंगे। व्यूअर्स, आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर कैसे डिजाइन हो सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। आजकल दुनिया की टेक्नोलॉजी में ये प्रोसेसर ड्यूल कोर इंतहाई पुराने हो चुके हैं। इससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं क्वाड कोर की तरफ। क्वाड कोर मतलब इसके अंदर चार प्रोसेसर है। कैसे डिजाइन किए जाते हैं, ये देखिए, मैं शेप बना रहा हूँ इसमें। इस शेप के हिसाब से ये देखें, एक ही चिप है, उसकी जिसामत भी उतनी है, उसका साइज भी उतना ही है। और मैंने आपको जैसे दिखाया, ये क्वाड कोर प्रोसेसर बन गया। जिस बंदे के पास क्वाड कोर पीसी पड़ा है, इसका मतलब यह है कि उसका पीसी एक वक्त में चार काम कर सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, हर प्रोसेसर एक ही काम करता है। जिसके अंदर जितने ज्यादा प्रोसेसर होंगे वो कंप्यूटर एट ए टाइम उतने ही काम जल्दी कर लेगा। ऑक्टा कोर का आपने नाम सुना होगा, ये ज्यादा कामयाब नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि टेक्नोलॉजी फौरन से एडवांस हो गई, ऑक्टा कोर के अंदर एक ही चिप में आठ प्रोसेसर डिजाइन किए गए। उसमें क्या था कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह किया कि एक प्रोसेसर के अंदर उन्होंने आठ प्रोसेसर डिजाइन कर दिए। ऑक्टा कोर की स्पीड बहुत अच्छी थी, ये गेमिंग के लिए बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। ऑक्टा कोर आप मार्केट में अभी मिल जाते हैं, लोग गेम के लिए बहुत पसंद करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं आगे। व्यूअर्स, मार्केट के अंदर कोर सीरीज का बड़ा चर्चा है, कोर i3, कोर i5, कोर i7। पहले हम बात करते हैं कोर i3 की। कोर i3 में अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें कितने प्रोसेसर होते हैं। तो जी, अब हम देखते हैं कि कोर i3 में कितने प्रोसेसर, कितने कोर डिजाइन किए गए होते हैं, कितने कोर इसमें रखे होते हैं। तो जब हम कोर i3 की बात कर रहे हैं तो कोर i3 में, अब मैं आपको साथ साथ गौर से दिखाऊंगा यहाँ पे।
जी अब मैं देखें कोर i3 प्रोसेसर के यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा। ये वर्चुअल डायग्राम है आपको समझाने के लिए। कोर i3 में 2 से लेकर 4 प्रोसेसर डिजाइन किए गए होते हैं। इसके अंदर एसेस रखे होते हैं 2 से लेकर 4 प्रोसेसर कि वो फास्टेस्ट तरीके से काम कर रहे होते हैं। व्यूअर्स ये प्रोसेसर जो होते हैं ये ड्यूल कोर सीरीज उन सीरीज से ये एडवांस होते हैं। हम थोड़ा सा इसको आगे अगर पढ़ें तो ये मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इंतहाई स्मॉल ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि इंतहाई स्पीड से काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि प्रोसेसर की लैंग्वेज बाइनरी है और ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इन्हीं ट्रांजिस्टर जो स्मॉल ट्रांजिस्टर होते हैं इनके थ्रू वो प्रोसेस हो रही होती है। कोर और जनरेशन की मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, इसी चैनल पे मौजूद है, आप वो वीडियो जरूर देखें, आपके इन्फॉर्मेशन में यकीन इजाफा होगा कि ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहे होते हैं, जनरेशन में क्या फर्क है। अब स्पेसिफिकली मैं कोर की बात कर रहा हूँ, चूंकि हम प्रोसेसर की वीडियो बना रहे हैं तो मैं ज्यादातर प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। व्यूअर्स प्रोसेसर के अंदर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं कोर i5 की। कोर i3 और कोर i5 में क्या फर्क होगा? देखिए प्रोसेसर का साइज तो वही है, उसी तरह मदरबोर्ड मेन बोर्ड के अंदर लग रहा है ये, तो अब इम्पोर्टेंट वही चीज है कोर i3 और कोर i5 में क्या फर्क है। हाँ जी, तो कोर i3 और कोर i5 में मेन फर्क ये है कि उसमें 2 से 4 तक प्रोसेसर डिजाइन किए होते थे, इसमें 2 से लेकर 6 तक प्रोसेसर डिजाइन किए होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि ये फिजिकली डिजाइन नहीं होते बल्कि इनको सॉफ्टवेयर से भी मल्टीप्लाई किया जाता है जिसको थ्रेडिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो इसके अंदर 2 से लेकर 6 प्रोसेसर इसके अंदर डिजाइन किए गए होते हैं और ये कोर i5 का स्टैंडर्ड है। ये कोर i5 की कोर i3 से यकीनन स्पीड ज्यादा होगी। फिर हम जब स्पीड की बात करेंगे तो हम जनरेशन को देखेंगे कि इसकी जनरेशन कौन सी है। जितनी जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी उतना ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता जाएगा। हाइपर थ्रेडिंग, ये जो मैं वीडियो जिसका जिक्र कर रहा था उसी वीडियो में मौजूद है कि हाइपर थ्रेडिंग क्या चीज होती है। हाइपर थ्रेडिंग बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हाइपर थ्रेडिंग ये होती है कि आप सॉफ्टवेयर से एक ही प्रोसेसर से डबल ट्रिपल काम ले रहे होते हैं, उसको ऐसा डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर से, ऐसा उसको फॉर्मेट बनाया जाता है उसका कि वो एक ही प्रोसेसर मल्टीपल काम कर रहा होता है। i5 i3 इनके अंदर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई है। जब आप मार्केट में i5 या i3 लेने जाते हैं तो आप उनसे पूछ लें कि भाई कितने थ्रेड का है ये। आगे बात आती है i7 की। प्रोसेसर का साइज बिल्कुल i3 जैसा ही है, i5 के जैसा साइज रखने वाला i7, इसमें क्या फर्क है? हम i7 को क्यों प्रेफर करते हैं i3 और 5 के ऊपर? इसका मतलब ये होता है कि कोई खास बात तो है इसमें? जी, खास बात इसके अंदर कितने प्रोसेसर डिजाइन किए गए हैं। i7 के अंदर 8 तक प्रोसेसर डिजाइन किए गए होते हैं, कम से कम 2 होते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि i3 के अंदर भी 2 प्रोसेसर हैं, i5 के अंदर भी 2 से लेकर 6 तक प्रोसेसर हैं और इसके अंदर 2 से 8 तक, फर्क क्या है? व्यूअर्स फर्क ये है कि i7 के अंदर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब यह है कि जब थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर 2 प्रोसेसर भी लगे होंगे तो वो 8 के इक्वल काम कर रहे होंगे। जी, i7 की स्पीड इसलिए ज्यादा होती है कि इसके अंदर थ्रेडिंग वर्चुअली ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो मल्टीपल प्रोसेसर की तरह काम कर रहे होते हैं। i7 डेफिनेटली कम्पीट करता है। फिर अब अगर हम बात करें कि क्या i3 फर्स्ट जनरेशन हैवी होगा या i7 फर्स्ट जनरेशन हैवी होगा, तो डेफिनेटली i7 हैवी होगा। लेकिन अगर i3 की 10th 11th जनरेशन जो है अभी तक मार्केट में आ चुकी है, लेकिन जनरेशन जो जो ऊपर जाती है उसी तरह उसके ट्रांजिस्टर का साइज कम होता जाता है। जब ट्रांजिस्टर का साइज कम होता है तो पावर कंजप्शन कम होती है, जब पावर कंजप्शन कम होती है तो डेफिनेटली कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। ट्रांजिस्टर का मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं, व्यूअर्स ट्रांजिस्टर बेसिकली क्यों यूज किए जाते हैं? ट्रांजिस्टर जो लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं उनको मालूम है कि ट्रांजिस्टर मल्टीपल काम करते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, 0 और 1। मतलब क्या कि कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज समझता है। हम जो वीडियो देख रहे होते हैं, जो ऑडियो देख रहे होते हैं, ये सारी की सारी 0 और 1 की शेप में होती है। पुराने दौर के अंदर आप यकीनन आपने इंटरनेट पे देखा होगा, शायद आप में से कई लोगों ने प्रोसेसर देखे भी होंगे कि प्रोसेसर कैसे डिजाइन किए जाते हैं। पुराने दौर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह ट्यूब इस्तेमाल की होती थी अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए। कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ इतना साइज उनका होता था,
जब वो पावर या उनको जब उनसे काम लिया जाता था तो इतनी पावर कंज्यूम करते थे कि उसके अंदर एक खास किस्म की हीट जनरेट होती थी। आज भी आप देखें पुराने कंप्यूटर हैं, अगर आप उनके फैन के साथ हाथ रखें तो आपको उससे ही फील होता है कि वो इंतहाई ज्यादा हीट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन जो नए प्रोसेसर आए हैं उनके अंदर एक खासियत ये है कि वो इंतहाई छोटे हैं वो। और आजकल तो ये कहा जा रहा है कि जो प्रोसेसर हमारी 11 सीरीज जो लेटेस्ट अभी तक आई है उसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका साइज इंतहाई कम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टूल के जरिए जैसे दूरबीन होती है सॉरी जो माइक्रोस्कोप होती है उससे वो देखा जा सकता है। ये बात याद रखिए, मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ, लेटेस्ट इज द जनरेशन स्मॉलेस्ट आर द ट्रांजिस्टर। हाँ जी, जितनी ज्यादा जनरेशन ज्यादा होगी 10 11 जनरेशन होगी उतने ट्रांजिस्टर उसके कम इस्तेमाल होंगे और उतनी ही बैटरी की लाइफ ज्यादा होगी। इसलिए जितने जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनकी बैटरी लाइफ 3-4 घंटे तक है, क्योंकि उनके प्रोसेसर इंतहाई स्मार्टली काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो इंतहाई बारीक लगे हुए हैं और वो कम से कम बैटरी को कंज्यूम करते हैं। पुराने लैपटॉप के अंदर आपने देखा होगा कि उनकी बहुत बार कम बैटरी होती है क्योंकि उसके ट्रांजिस्टर बड़े होते हैं, उनका प्रोसेसर जब काम कर रहा होता है डेफिनेटली डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है। व्यूअर्स, प्रोसेसर किसी किस्म का कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता। कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज सिर्फ दो किस्म की होती है, रैम और हार्ड की। प्रोसेसर का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वो प्रोसेस कर दे। अब मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको यहाँ पे रखता हूँ आपको समझाने के लिए कि i3, i5 और i7 में क्या फर्क है। ये देखें, असल मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बेसिक i3, i5 और i7 का भी नहीं पता होता। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको आप इन्फॉर्मेशन भी दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।